टाइम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी से हमें क्या पता चलता है, ये हम क्यों करते हैं। देखिए अक्सर हम जब नंबर को फाइंड आउट करते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई छोटा नंबर होता है तो हमें पता होता है कि ये 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, लेकिन जब हमें ज्यादा बड़ा नंबर दे दिया जाए, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, और आपको आपके पास टाइम कम है, आपको आपको पता करना है कि इस नंबर को किस नंबर से फाइंड कर रहे हैं, आप 2 से कर रहे हैं तो उसमें डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से कर रहे हो तो अभी उसको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए हम सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपकी 2 से स्टार्ट होगी, 1 से तो आपको पता है सारे नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, 1 एक ऐसा फैक्टर है, तो अभी हम 2 से डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 किस तरह से टेस्ट करेंगे, ये नंबर 2 से डिवाइड, जिस नंबर में 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये पता होना चाहिए। आपने इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स पढ़े हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड नंबर्स जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, लाइक आपके जो है 0, 2, 4, 6, 8 आर इवन नंबर्स, दे आर डिवाइडेड बाय 2, एंड 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नंबर्स। देखें अब आप कहोगे मैम ये तो ऑनली 5 नंबर्स है, नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, हम कैसे पता करेंगे ये इवन नंबर है या नहीं ऑड नंबर है। आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, जैसे हमने नंबर ले लिया सपोज 4, 2, 9, 0, 1, 5, 6, अब ये इतना बड़ा नंबर है मैम, हमें कैसे पता चलेगा इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, या फिर ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ लास्ट यानी कि जो वंस के प्लेस पर डिजिट होगा उसको देख लीजिए। आपका नंबर 6 है, 6 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, बस हो गया, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको 2 भी सीख चुके, क्योंकि हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक करते हैं, जिस नंबर में लास्ट यानी कि वंस के प्लेस पर डिजिट अगर 0 होता है, सॉरी इवन नंबर होता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आप 1, 5, 6, 9, 0 ले लीजिए, आप डिवाइड करके देखना चाहे आप डिवाइड कर देख लीजिए, लास्ट में 0 है, इवन नंबर है 0, यानी कि 2 ये 2 से डिविजिबल है। मैं आपको डिवाइड करके एक बार समझा देती हूँ, जैसे आपका है 1, 5, 6, 9, 0, 1, 5, 6, 9, 0, देखिए हमें इसे 2 से डिवाइड करना है, हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपको डिवाइड करना आते हैं। देखिए 2 का टेबल हमें हम 1 के लिए तो रीड नहीं कर सकते, हम 15 के लिए रीड करेंगे, बट 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे 15 से कम जो नंबर आता है उसको लिखेंगे, 2 7s are 14, तो देखिए 7 ऊपर आया, 14 नीचे आया, सबट्रैक्ट किया, 5 में से 4 सबट्रैक्ट किया, 1 आया, और 1 में से 1 को किया 0, नेक्स्ट डिजिट है आपका 6, हमने यहाँ 6 लिख लिया। अब आपको 2 का टेबल किसके लिए रीड करना है, 16 के लिए, 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8s are 16, 0 and 0, अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 9, हमने यहाँ पर 9 लिख लिया, अब 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं, 9 से कम कौन सा नंबर आता है, 2 4s are 8, देखिए 2 4s are 8, हमने सबट्रैक्ट किया, 1 आया, और लास्ट डिजिट है आपका 0, हमने 0 लिख लिया, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5s are 10, देखिए आपका रिमाइंडर कितना आया 0, यानी कि आपका जो नंबर है 15,690 इसमें 2 से डिवाइड हो गया ना, 2 से देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है, लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। तो ये होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, लास्ट में अगर इवन नंबर है किसी भी नंबर के तो वो 2 से डिविजिबल है। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 का 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जो आपके नंबर्स दिए होंगे, जिस आपका नंबर है मान के चलिए 2 4 3 6,
हमारा ये नंबर है 2436। अब क्या करना है, अब आपको पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल, 2 से तो आपको पता है कि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर, तो सम ऑफ ऑल जो आपके सारे डिजिट्स दिए हैं, डिजिट्स, तो देखिए 2 + 4 + 3 + 6। अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 6 = 15। अब देखिए जो 15 आया आपका, क्या ये 3 के टेबल में आता है या 3 से इसमें डिवाइड हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, 3 × 5 = 15। 3 के टेबल्स में ये 15 आता है, यानी कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो सके उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अभी हमने सारे नंबर्स को ऐड किया जो नंबर्स दिए हैं, ऐड करने के बाद जो नंबर आपका निकल कर आएगा उस नंबर को ये देखिए क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करके साइड में देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर वो हो सकता है तो वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 का सम है, और नहीं हो सकता तो फिर वो नहीं है। अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। आपके सिलेबस में 4 की डिविजिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम 5 की समझेंगे। ओके, देखिए 5 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इतना देख लीजिए जो नंबर आपको दिया है उस नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे हमारा नंबर है 4565। अब ये नंबर दिया है आपको एग्जाम्पल, अब वो पूछ रहा है क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अब बता दीजिए बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में इसके वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट दिया है, 5। 5 के टेबल से 5 इजीली फाइंड आउट हो जाता है, तो जो डिविजिबिलिटी होती है 5 की उसमें लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। अगर आपका नंबर है ये वाला 5750, ये भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें भी 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट दिया है, 0। और 5 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए वंस के प्लेस पर आपका जो डिजिट है वो या तो 5 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। देखिए आप डिवाइड करके देखिए, ये हमने नंबर लिया आपका, ये देखिए अभी हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 9 = 45, सब्ट्रैक्ट किया 0 0, नेक्स्ट डिजिट है आपका 6, 5 × 1 = 5, 1 आया और अब आपका आ गया 0। देखिए 5 × 2 = 10, देखिए रिमाइंडर में क्या आया आपका 0, यानी कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर लास्ट की जो डिजिट है वंस के प्लेस पर या तो 5 हो या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए देखिए आपने 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, अभी 3 की पढ़ी थी। जैसे अगर लास्ट में इवन नंबर है जो आपका वंस के प्लेस पर डिजिट दिया है, अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो आपके जितने भी डिजिट्स दिए होते हैं उन सबको ऐड करके जो नंबर आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर दिया होता है आपको पूरा वो भी 3 से डिविजिबल होता है। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको जो नंबर 2 से और 3 से, इन दोनों से डिविजिबल होता है, वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होता है। अब देखिए लास्ट में यहाँ 8 है, 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 8 सॉरी डिजिट है, 8 आपका इवन है तो वो 2 से भी डिविजिबल है। अब 3 का देखिए, 3 के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, 7 + 8 + 4 + 8, ऐड कीजिए, 7 + 8 = 15, 15 + 4 = 19, 19 + 8 = 27। देखिए 27 आया, अब आप 27 को 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 के टेबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है, 9 टाइम्स पर 3 = 27।
कितना आया, देखिए इसका रिमाइंडर जीरो आया, यानी कि ये थ्री से डिविजिबल है। तो जो नंबर टू से और थ्री से डिविजिबल होता है वो नंबर सिक्स से भी डिविजिबल होता है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। आपके सिलेबस में जो नंबर दिए हैं उन्हीं नंबर्स की हम डिविजिबिलिटी आपको बता रहे हैं। अब देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 बहुत सिंपल है, जैसे आपने 3 की निकाली थी, 3 की कैसे निकाली थी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सेम बेटा आपके 9 है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। देखिए कौन कौन से नंबर, आपको एग्जांपल जो नंबर दिया है 14607, तो पहले सबसे पहले है 1 + 4 + 6 + 0 + 7। अब इनको ऐड करके देखिए, 4 + 1 = 5, 5 + 6 = 11, 11 + 7 = 18। जीरो तो ऐड होगा ही नहीं। अब देखिए क्या 18 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 से 18 के 18 में डिवाइड हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। 9 × 2 = 18। देखिए आपका नंबर आया 2, कितना आया 2 टाइम्स डिवाइड हुआ ना, यानी कि जो डिजिट, जैसे भी आपने 3 का पता किया था, सारे नंबर को ऐड करते हुए उन्हें 3 से डिवाइड करना है, तो वो 3 का मालूम पड़ जाएगा। और सेम 9 की डिविजिबिलिटी है, सारे नंबर जो डिजिट्स दिए हैं उनको ऐड कीजिए और फिर उसको 9 से डिवाइड कीजिए, तो आपको 9 की भी डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी कि वो अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो यानी कि वो 9 से नंबर, वो जो नंबर है वो डिविजिबल है, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 वेरी इजी। देखिए आपका नंबर दिया है, जैसे भी आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 पढ़ा था, अगर लास्ट में 0 हो तो वो 0 से 5 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट में 5 हो तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन टेस्ट 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट में जो वंस के प्लेस पर जो डिजिट होगा अगर वो 0 होता है तो ही वो नंबर 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ये नंबर 5 से तो है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 5 का पूछा जा रहा है तो आप बता दीजिए लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। लेकिन अगर 10 का पूछा जा रहा है तो 10 से भी ये डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। अगर इसके अलावा नंबर होता है 5 या इसके अलावा कोई और भी नंबर होता है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें वंस के प्लेस पर से 0 चाहिए। अगर 0 होगा तो ही वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और अगर जैसे अब यहाँ पर अभी 0 है, होने को तो ये 5 से, लेकिन अगर 5 से पूछा जा रहा है तभी आप बताइए, ये भी 5 से हो जाएगा लेकिन ये 10 से नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पर कौन से डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट कौन सा है, 5। तो समझ आया आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर ही बेस्ड है, आपको एक्सरसाइज इसी तरह पहले इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे समझेंगे तब उस एक्सरसाइज को आपकी बुक में ही करेंगे। ओके, बाय बाय।